खराब पानी तो उसके हैपेटाइटिस ए तो ई के कीटाणु होंगे ने जिन्हां करके कि पीलिया बनता है। आर ओ वाला पानी साफ नहीं मनिया जा सकता, कीटाणु नहीं मरता उसके पानी, कीटाणु मारन लिए आपां नूं पानी उबालना ही पए। गल जिवें कि आपां देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्ते तो बारिशों का सीजन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पै रही है। साढ़े कोल अज तक इत्थे ज़्यादातर मरीज़ अजक जे आ रहे हैं उन्होंने डायरिया दस्त जिन्हों कह दें आप आम भाषा के डेंगू बुखार के नाल लक्षणों के नाल ऐसे मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं जिन्हों के कि लोग ज़्यादातर खराब पानी या गंदिया अनहाइजीनिक चीज़ा खाण पीन नाल पीलिए की संभावना नाल जॉन्डिस सिर्फ जॉन्डिस जिन्होंने आप कहने इंग्लिश के आम भाषा पीलिया वो लोग मरीज साढ़े को ज़्यादा आ रहे हैं। पीलिया जो कि आप कह सकते हैं खराब पानी तो हैपेटाइटिस ए तो ई के कीटाणु होंगे ने जिन्हां करके कि पीलिया बनता है। ये पीलिया वैसे तो टाइम सिर अपने आप ठीक हो जाता है क्योंकि वायरस है, परंतु जिन्ना मरीजों के जिगर के उत्ते ज़्यादा असर पै जाए इस बीमारी का इस कीटाणु का उन्होंने दाखिल करके इलाज भी करना पै सकता है तो बीमारी जानलेवा तक भी जा सकती है। इस चीज़ को बचने लिए पानी साफ पीओ, पानी उबाल के फ्रिज के रखो, कोई आर ओ आर ओ वाला पानी साफ नहीं मनिया जा सकता, कीटाणु नहीं मरता और पानी कीटाणु मारन लिए आपको पानी उबालना ही पड़ेगा। साफ पानी खा पियो, खाना पीना अच्छा खाओ, पुरानी बासी समान ना वरतो, जिन्ना घट तो घट हो सके उस चीज़ का परहेज करो। दूजी चीज़ आप कह सकते हैं डायरिया, वो भी अपन सब तो पता है कि खराब पानी तो ही होता है दस्त लग जाने जिद कह दें दस्त उल्टियाँ। जे दिन के दो तो तीन वारी तो ज़्यादा दस्त आ रहे हैं पानी के लिक्विड फॉर्म के स्टूल आ रहे हैं तो आपन हॉस्पिटल जाना चाहिए है। पानी की मात्रा पूरी रखनी चाहिए है, हाइड्रेशन लेनी पेगी। ओ आर एस सब तो वधिया सल्यूशन है साढ़े को आम घर उन्होंने घोल के आप की मात्रा शरीर के पूरी कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स जिन्होंने कहते इलैक्ट्रोलाइट्स ये भी घटते हैं दस्तों के दौरान, जिदे कि लून सब तो आम होंगे है सोडियम कहने जिन्होंने सीवरेज के मात्रा भी ओ आर एस के पैकटा पाई जाती है तो वो लैन चीज़ा नुकसान तो बचा जा सकता है। तीसरी चीज़ जिहड़ी बीमारी हुण वैसे ही बारिशों के मौसम ज़्यादा फैलती है अमूमन हर साल वांगू ही वो है डेंगू। साढ़े को पिछले हफ्ते तो डेंगू के मरीज आने भी शुरू होए ने, ये लक्षण की ने मरीज आता है सिर्फ बुखार तो दुख दर्द मांसपेशियां लत्तां च दर्द ज़्यादा महसूस करता है मरीज, तो ये डेंगू का कीटाणु है जिहड़ा ये भी साफ पानी से ही पबलता है पैदा होंदा है। हुण जिस भी टोबे दे विच कोई टायर के निशाना कोई मटकियां च जिथे भी बारिश का पानी इकट्ठा होएगा उत्थे इन्हां दी पैदावार होनी अमूमन तौर पर बढ़ जाती है। इस मच्छर तो बचण का तरीका यही है भी भाई जिथे भी पहला तो सब तो पहला तो पानी इकट्ठा होने ना दईए, जे कि पानी इकट्ठा है तो उसके उत्ते तेल तूल पा के आपां उहदी पैदावार नूं रोकीए। तीजी चीज़ यह है जे किसी नूं इस लक्षण आउंदे है तो वह छेती तो छेती तुरंत किसी नेड़े दे हस्पताल दे विच जाके अपना इलाज शुरू करवावे, पानी की मात्रा पूरी रखे। बुखार के रूप में गोली खाने लिए सिर्फ पैरासीटामोल की गोली खानी है, कोई एस्प्रिन या होर किसी प्रकार का बुखार उतारन लई गोली नहीं खानी। ये कुछ मोटिया मोटिया गल्लां ने जिहड़ियां कि आपां नूं अमूमन तो अपने आम जीवन के परहेज ध्यान रखना पवेगा। इदू बाद चों सारी फैसिलिटी लई हॉस्पिटलाइज या किसी प्रोफेसनल डॉक्टर की सलाह लैनी जरूरी बनती है। डॉक्टर साहब किहड़ियां किहड़ियां चीज़ों का परहेज रखना चाहिए इस मौसम के दौरान? इस मौसम के दौरान एक तो अपनी हाइड्रेशन पूरी रखनी चाहिए है जी, शरीर के पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, गर्मी करके पसीने के रूप से भी पानी निकल जाता है। जिन्हां नूं ऐसी कोई शिकायत हो जाए डायरिया या इस तरीके की उसका नुकसान भी पानी करके शरीर चो पानी की कमी बहुत होंदी है। दिन के ढाई तो तीन लीटर पानी पीना अमूमन जरूरी है अपने सारे लिए एडल्ट ताकि ऐसी रिक्वायरमेंट्स ऐसी डिहाइड्रेशन या शिकायत ना हो।